शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद के पाठक के रोज नए नए फैसले से जहां महकमे में एक तरफ खलबली मचती है तो दूसरे तरफ छात्रों में इस बात की खुशी दिखती है। स्कूलों के बाद अब के पाठक ने विश्वविद्यालयों के ऊपर एक नया फरमान जारी कर दिया। शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर को लेकर यह दिशा निर्देश दिया है कि सभी कम से कम 5 क्लासेज लें, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो छात्र कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएंगे, छुट्टी पर रहेंगे, उनको अब घर से असाइनमेंट करके लाना होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से जो नया फरमान है वो जारी कर दिया गया। दरअसल UGC की तरफ से जो गाइडलाइन विश्वविद्यालयों के लिए है उसमें यह सीधे तौर पर कहा गया 5 घंटे कम से कम एक प्रोफेसर को विश्वविद्यालय के अंदर कॉलेजों में रहना होगा। और इसी के लिए अब शिक्षा विभाग ने कहा कि अगर आप 5 घंटे विश्वविद्यालय के अंदर रहते हैं, कॉलेजों के अंदर रहते हैं, तो आपको कम से कम 5 क्लासेज लेनी अनिवार्य होगी, यानी आप बंक मारकर नहीं जा सकते हैं। और इस बात की जानकारी आपके जो प्राचार्य होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, उनको होगी। और शिक्षा विभाग आपके पूरे दिन के हिसाब किताब प्रिंसिपल से लेगा। शिक्षा विभाग के इस सख्त लहजे के बाद, सख्त चेतावनी के बाद कॉलेजों के अंदर जो प्रोफेसर हैं उनके अंदर खलबली मची हुई है। अमूमन यह देखा जा रहा था, छात्रों की शिकायत आ रही थी कि कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं वो लेक्चर नहीं लेते हैं, लेक्चर के समय वो गायब रहते हैं, या छात्रों की संख्या कम होने के कारण प्रोफेसर क्लासरूम में नहीं जाते थे। लेकिन अब प्रोफेसर और छात्रों के ऊपर लगाम लगाने के लिए, उनको सुधारने के लिए के पाठक ने एक बड़ा फैसला लिया। और इस फैसले में उन्होंने साफ कर दिया है कि सभी को कम से कम 5 घंटे तक पठन पाठन के कार्य में संलिप्त रहना होगा। जो भी छात्र 3 दिन से ज़्यादा के अवकाश पर रहेंगे उनको घर से असाइनमेंट दिया जाएगा करके आने के लिए। जब भी वो कॉलेज जाएंगे तो उनको अपना असाइनमेंट जमा करना होगा, उसके बाद ही उनको आगे नेक्स्ट में जब फॉर्म वगैरह भरना होगा या जो भी आपका आकलन किया जाएगा उसमें मूल्यांकन के समय ये बातें नोट की जाएंगे। और इन तमाम बातों की जानकारी जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे उनसे लिया जाएगा। जाहिर सी बात है के पाठक विद्यालयों के अंदर सुधार के दिशा में जिस तरीके से लगातार कदम बढ़ा रहे थे, अब उसी दिशा में वो कॉलेजों के अंदर भी सुधार के दिशा में कई अहम फैसले ले रहे हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक विद्यालय पहुँच जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, और वहाँ पर जो शिक्षक गायब रहते हैं, जो क्लासरूम के अंदर गड़बड़ियाँ होती है उनको तुरंत दूर करने के साथ आवश्यक निर्देश देते हैं। और अब लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ अब कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर और शिक्षक हैं उनके ऊपर भी शिक्षा विभाग कार्रवाई करने का प्लान कर चुका है। और इसी दिशा निर्देश के तहत सभी विश्वविद्यालयों के अंदर ये निर्देश दे दिया गया है कि सभी इसका पालन करेंगे। के पाठक का जो फरमान है वो सभी विश्वविद्यालयों में पहुंचा दिया गया है और सभी प्राचार्यों को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि अब उन्हें आगे किस तरीके से कॉलेजों के अंदर पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे उनकी रूटीन पर नज़र रखनी होगी। साथ ही साथ जो छात्र होंगे उनको भी अब नई गाइडलाइन के अनुसार, नए जो नियम है उसके अनुसार विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जाना होगा और पठन पाठन के साथ वो कॉलेजों के अंदर जो उनकी एक्टिविटी होगी उसमें हिस्सा लेना होगा। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।